हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो हम कर रहे हैं AKTU के अंदर जो 2020 और 21 में मेडिसिनल केमिस्ट्री का पेपर आया था, इस पेपर को सॉल्व। 2019-20 वाला पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपने अगर नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है मेडिसिनल केमिस्ट्री के नाम से ही, जाके चैनल पे देख लीजिएगा। आज जो हम कर रहे हैं ये 2020-21 में जो पेपर आया था उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके भी इससे पहले के सारे वीडियोज ऑलरेडी आ चुके हैं, वो भी पड़े हुए हैं चैनल पर ही। आज हम करेंगे जो सेक्शन सी के अंदर ई क्वेश्चन आया था इसको सॉल्व। तो ये क्वेश्चन आया था, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ मैनाडायोन, एसिटोमैनाडायोन, एनिसिडायोन एंड क्लोपिडाग्रल, और उसके अलावा हमें सिंथेसिस और करनी है वारफरीन की। ठीक है, बेसिकली देखा जाए ना तो ये एग्जामिनर जो है उसने चार क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बनाया हुआ है ना। मतलब ये क्वेश्चन इवन मैं सॉल्व कर रही थी जब, तो मेरे को खुद ऐसे लगा था कि इतना ज्यादा टफ देने की भी क्या जरूरत है ना। जैसे अगर आप देखोगे ना तो ये मैनाडायोन और एसिटोमैनाडायोन है ना, ये कोएगुलेंट कैटेगरी के हैं, ये कोएगुलेंट है। एनिसिडायोन जो है ये एंटी कोएगुलेंट कैटेगरी का है ना। और इसके बाद में ये जो क्लोपिडाग्रल है ये एंटी प्लेटलेट कैटेगरी का है, एंटी प्लेटलेट कैटेगरी का है। ठीक है, और वारफरीन आ गया, वारफरीन भी खैर एंटी कोएगुलेंट ही होता है ना, तो ये भी इसी कैटेगरी का है। तो देखा जाए तो बेसिकली चार क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, और इतना टफ देने की तो जरूरत ही नहीं है, है ना। कौन सा IAS का एग्जाम है जो इतना टफ इन्होंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है। एक कोई पूछ लेते यहां तक पूछ लेते तो भी सही रहता है ना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूजेस पूछ लेते इन दोनों के, इनमें से ही किसी एक का सिंथेसिस पूछ लेते, ऐसे भी तो क्वेश्चन बन सकता था, पर पता नहीं क्यों इतना टफ क्वेश्चन बनाया हुआ है। चलिए कोई नहीं, हम इसको करते हैं अभी सॉल्व करना स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये है मैनाडायोन और एसिटोमैनाडायोन है ना, ये दोनों ही जो कोएगुलेंट कैटेगरी होती है उस कैटेगरी के हैं दोनों ही ड्रग। ठीक है, और ये दोनों ही ड्रग है ना, ये विटामिन के एनालॉग है। ठीक है, विटामिन के एनालॉग है। ठीक है, अब विटामिन के एनालॉग है तो ये करेंगे क्या, जो विटामिन के करता है वही काम ये दोनों करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना वो वही ही हो जाएगा जो विटामिन के का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, वही ही। ठीक है, तो इन दोनों का ना हम एक साथ लिख लेते हैं। आप चाहो तो एग्जाम में ऐसे भी लिख देना कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैनाडायोन एंड एसिटोमैनाडायोन, दोनों के यूजेस भी दोनों के सेम ही होंगे और दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम ही होगा। तो चाहो तो अलग अलग करके भी लिखने से क्या ही फायदा, दोनों का सेम ही है ना। तो ऐसे ही करके एक हेडिंग लिख देना अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो, कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैनाडायोन एंड एसिटोमैनाडायोन। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इजी है बहुत ज्यादा, और इसी से ही हमें तीन ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता चलेंगे। देखिए कैसे पता चलेंगे, सबसे पहले तो होता क्या है, ये है विटामिन के। ठीक है, जो हम खाते हैं ना वो ये वाला विटामिन के होता है जो हम मेडिसिन की तरह खा रहे हैं, है ना। और इसमें से जी भी जो मैनाडायोन है ना इसको हम विटामिन के 3 बोलते हैं, और जो एसिटोमैनाडायोन है इसको हम विटामिन के 4 बोलते हैं, है ना। तो चाहे विटामिन के हो खाली, चाहे विटामिन के 3 हो, चाहे विटामिन के 4 हो, है ना, जब भी हम उसको खा रहे हैं तो वो ये वाला विटामिन है। ठीक है, अब ये वाला जो विटामिन के है या फिर मैनाडायोन या एसिटोमैनाडायोन, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ये जैसे ही हम खाएंगे तो ये बेसिकली करेगा क्या, एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज। ठीक है, ये वाले एंजाइम को विटामिन के कर देता है एक्टिवेट। आप चाहो तो यहाँ इसे एक्टिवेट भी लिख सकते हो, है ना, ये कर देता है इसको एक्टिवेट। और जैसे ही ये ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज एक्टिवेट हो जाएगा तो ये ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज एक्टिवेट होके करता क्या है, तो बहुत सारे नॉन फंक्शनल प्रोएंजाइम होते हैं, जैसे आपने क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से, 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th, है ना। आपको याद कैसे करने हैं, बहुत ज्यादा इजी, कोई चक्कर नहीं है, पहले तो 2nd याद कर लेना है, उसके बाद में 5 के बाद में ना हर एक ऑड नंबर जो आता है सारे के सारे लिख देने हैं। जैसे 5 के बाद ऑड नंबर 7, 7 के बाद ऑड नंबर 9, 9 के बाद ऑड नंबर कौन सा होता है 11, है ना। तो यही है, बस 2 याद रखो और 5 से लेके 11 तक जो ऑड नंबर है सारे के सारे वो ऑड नंबर लिख दो, है ना। तो ये सारे के सारे जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं उनको ये एक्टिव कर देता है, ये इनएक्टिव थे सारे के सारे, इनको एक्टिव कर दिया किसने, गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज ने। और ये कब करेगा एक्टिव, जब विटामिन के इसको एक्टिव कर देगा गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज को। ठीक है, अब यहां पर एक गड़बड़ क्या हो जाती है, इसने जो विटामिन के है इसने इस एंजाइम को एक्टिवेट तो कर दिया,
ठीक है, एक्टिवेट हो गया ये एंजाइम, लेकिन विटामिन के इसको एक्टिवेट करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। ये क्या लिख रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के, तो विटामिन के ने इसको एक्टिवेट कर दिया लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के जो होता है ना, ये इनएक्टिव होता है, ये कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, ये नहीं कर सकता है इस कार्बोक्सिलेज को स्टिमुलेट नहीं कर सकता, ये एक्टिवेट नहीं कर सकता है, ये वाला जो विटामिन के है, ये वाला, ये ठीक है, इसको ये रिड्यूस्ड फॉर्म वाला ही कर सकता है। तो अब ये ऑक्सीडाइज हो गया ना, अभी अगर इसको दोबारा से गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज को अगर स्टिमुलेट करना है, एक्टिवेट करना है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस्ड होना पड़ेगा, है ना, यानी यहां पर आना पड़ेगा इसको। अब यहां पर जब ये आता है तो इसको कौन सा वाला एंजाइम, यहां पर देखिए, ये ऑक्सीडाइज विटामिन के है, इसको अगर एक्टिव होना है तो इसको क्या बनना पड़ेगा, ये बनना पड़ेगा, रिड्यूस्ड विटामिन के बनना पड़ेगा, है ना। अब इसको रिड्यूस्ड विटामिन के कौन बनाता है, तो ये बनाता है विटामिन के रिडक्टेज करके एक एंजाइम होता है, ये एंजाइम ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के को कर देता है रिड्यूस्ड विटामिन के में कन्वर्ट, यानी बेसिकली एक्टिवेट कर देता है विटामिन के को, ठीक है, ये वाला एंजाइम। इतनी चीज आपको समझ आनी है बस, ये ऑक्सीडाइज विटामिन के होता है, इसको विटामिन के रिडक्टेज फिर से रिड्यूस्ड विटामिन के में कन्वर्ट कर देता है, विटामिन के फिर से ये वाले एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, ये एंजाइम फिर से इनको जितने भी फैक्टर हैं उनको एक्टिवेट कर देंगे, है ना, ये साइकिल पूरा चलता रहता है। फिर ये जो ऑक्सीडाइज हो गया विटामिन के, इसको फिर से विटामिन के रिडक्टेज वो कर देगा, रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस्ड विटामिन के फिर से इसको ऐसे कर देगा, मतलब ये पूरा का पूरा साइकिल ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है ना। तो यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि ये जो विटामिन के है, यहां की जगह आपको क्या लिख देना है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं मैनाडायोन और एसिटोमैनाडायोन, जिसका भी आप लिखना चाहो, है ना, इसकी जगह पे, या इसकी जगह पे सीधा सीधा आप क्या लिख देंगे, क्योंकि मैनाडायोन को K3 बोलते हैं, विटामिन K3, है ना, तो विटामिन K3 लिख देना सीधा सीधा यहां पर, मैनाडायोन एसिटोमैनाडायोन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे आप अभी एक्सप्लेन करोगे कि मैनाडायोन को K3 बोलते हैं, एसिटोमैनाडायोन को K4 बोलते हैं, ठीक है। और जब एसिटोमैनाडायोन को लिखोगे तो यहां पर विटामिन K4 लिख देना ऐसे, ठीक है। तो इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी, इन दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको आ गए होंगे समझ, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ये जो एनिसिन डायोन है ना, इस पे चलते हैं, जो एनिसिन डायोन है, अब हम बात करेंगे इसकी, इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, इन दोनों का तो सेम ही होगा जो अभी मैंने बता दिया, है ना। अब चलते हैं हम एनिसिन डायोन पे, एनिसिन डायोन जो होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आखिर क्या होगा। तो देखिए, एनिसिन डायोन है ना, ये क्या करता है, ये जो एंजाइम है, ये जो एंजाइम है ना, ये इसको इनहिबिट कर देता है, एनिसिन डायोन, ठीक है। तो एनिसिन डायोन में आपको बस इतना और लगा देना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो होते हैं कोएगुलेंट और ये होता है एंटी कोएगुलेंट, एनिसिन डायोन एंटी कोएगुलेंट होता है ना, और एंटी कोएगुलेंट होता है ना, तो ये क्या करेगा, या तो ये वाले जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, ये एक्टिवेट हो ही नहीं पाएंगे, और जब ये एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे तो कोएगुलेशन होगा ही नहीं, और जब कोएगुलेशन नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट हमें मिल गया, ठीक है, इसीलिए हम एनिसिन डायोन को बोलते हैं एंटी कोएगुलेंट, मतलब ये कोएगुलेशन नहीं होने देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एनिसिन डायोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और देखिए, वारफरिन भी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर वारफरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है कि आपको पूछे अभी अभी जो एग्जाम आने वाला है ना, तो वारफरिन का भी बहुत ज्यादा इजी होता है। वारफरिन देखिए बेसिकली करता क्या है, वारफरिन, तो वारफरिन एक्ट करता है यहां पर, और वारफरिन क्या करेगा, ये जो विटामिन के रिडक्टेज है ना, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, और जब ये एंजाइम ही इनहिबिट हो गया तो ये इस ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के को रिड्यूस्ड विटामिन के में कन्वर्ट नहीं होने देगा, और जब ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के रिड्यूस्ड विटामिन के में कन्वर्ट ही नहीं हुई, तो ये वाला एंजाइम भी एक्टिवेट नहीं होगा, और ना ही ये वाले जो फैक्टर हैं वो एक्टिवेट होंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वारफरिन ने सारे के सारे एक्शन इनहिबिट कर दिए, ये वाला भी इनहिबिट कर दिया, और ये वाला भी इनहिबिट कर दिया, ये वाला भी पूरा इनहिबिट कर दिया, इसीलिए वारफरिन से भी हमें मिलता है एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट, ठीक है। तो तीनों के जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आपको इसी ही डायग्राम से ही मिल जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो वही है जो मैंने अभी ऊपर बताया है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना, कि लैंग्वेज क्या है, कैसे है। वैसे तो मैंने अपनी लैंग्वेज में ही बनाया, इजी लैंग्वेज में बनाया, आप इसको एक बार ही पढ़ लीजिएगा। अब अगर हम यूजेस की बात करें मैनाडायोन और एसिटोमैनाडायोन को, तो मैंने क्या बोला था, ये दोनों ही कोएगुलेंट है। कोएगुलेंट का मतलब क्या होता है, जो कोएगुलेशन करवाएं ब्लड का, ठीक है, जो ब्लड का कोएगुलेशन करवाएं। तो ये यूज कहां कहां पर होंगे, तो जिनके अंदर भी लो लेवल होता है विटामिन के का,
उनके अंदर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे किसी किसी की नोज से ब्लीडिंग आने लगती है ना, नाक से जो खून निकलने लग पड़ती है, तो उनको हम इन दोनों ड्रग्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उनके लिए काम आएगी ये। इसके बाद में जो विटामिन के डेफिशिएंसी जो होती हैं वो एडल्ट में बहुत कम होती हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन होती हैं न्यू बॉर्न में या इन्फेंट में, और इन्फेंट में मोस्टली विटामिन के इंजेक्शन लगते ही हैं, ठीक है, इसीलिए ताकि उनको ब्लीडिंग वाला प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद में नेक्स्ट जो यूज़ है वो है विटामिन के, जो है उसको हम और यूज़ करते हैं जब भी ब्लड थिनर जैसे कि कोमेडिन इन सब का ओवरडोज हो जाता है, तो उनके ओवरडोज को कम करने के लिए हम विटामिन के वहाँ पर प्रिस्क्राइब कर देते हैं। विटामिन के का मतलब क्या हुआ, K3 या K4 दोनों में से कोई भी, है ना। K3 क्या होता है, मेनिंडायोन, और K4 होता है एसिटोमेनिंडायोन, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा भी है, मेनिंडायोन को विटामिन K3 बोलते हैं, एसिटोमेनिंडायोन को विटामिन K4 बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इसके यूजेस। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एनिसिंडायोन का, जैसे मैंने बताया था एनिसिंडायोन जो होता है बेसिकली इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ये वाले जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो एक्टिव नहीं हो पाते हैं, और जब ये एक्टिव नहीं होंगे तो क्लॉटिंग होगी ही नहीं, है ना, कोएगुलेशन होगा ही नहीं, तो इसीलिए ये एंटी कोएगुलेंट की तरह एक्ट करता है। यहाँ पर यही ही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। यूजेस की अगर बात करें तो ये कहाँ पर यूज होता है, ये एंटी कोएगुलेंट है, कोएगुलेशन नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर यूज होता है, जहाँ पर वीनस थ्रोम्बोसिस होती है, यानी वेन्स जो होते हैं उनके अंदर अगर थ्रोम्बस बन गए हैं, उसके ब्लड के ऐसे कतरे से बन गए हैं और क्लॉट्स बन गए हैं, अगर उनको डिसॉल्व करवाना चाहते हो, या एट्रियल फिब्रिलेशन में इसको यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म में और कोरोनरी ऑक्लूजन में, ठीक है। ये सारी की सारी चीजों में हम इनको यूज करते हैं, क्योंकि बेसिकली हर चीज के अंदर हमने जो क्लॉट बन गया है उसको डिसॉल्व करवाना है, तो इससे आसानी से ब्लड क्लॉट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोपिडोग्रल, है ना। तो क्लोपिडोग्रल जो है ये बेसिकली क्या होता है, एंटी प्लेटलेट एजेंट होता है, ठीक है। पहले तो आपको सबका यही पता होना चाहिए कौन सा किस कैटेगरी का ड्रग है, तो ये एंटी प्लेटलेट होता है, मतलब प्लेटलेट जो है उनका डिग्रेडेशन करेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमें अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानना है तो हमें पहले ये तो जानना होगा प्लेटलेट्स जो है वो बन कैसे रहे हैं या उनका एग्रीगेशन कैसे हो रहा है, पहले हमें ये जानना पड़ेगा, है ना। तो देखिए होता क्या है, जैसे सपोज करो ये एक ब्लड वेसल है, जैसे ही यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत चोट लगी किसी भी वजह से, तो क्या होता है, बहुत सारे प्लेटलेट, में डिफरेंट कलर से बना देती हूँ, प्लेटलेट बहुत सारे प्लेटलेट ना यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। ये यही ही लिख रहा है यहाँ पे कि प्लेटलेट का एडहेशन हो जाता है ब्लड वेसल वॉल पे, जैसे ही ब्लड वेसल वॉल जो है वो थोड़ा बहुत डैमेज होगी, तो प्लेटलेट यहाँ पे आ गए। अब प्लेटलेट जैसे ही यहाँ पे हो जाते हैं, आते हैं किसी भी चोट के पास, तो वो हो जाते हैं एक्टिव, ठीक है, उनका एक्टिवेशन हो जाता है। अब जब इनका एक्टिवेशन हो जाएगा तो ये बना देंगे अरेकिडोनिक एसिड, ठीक है। अब ये अरेकिडोनिक एसिड बन गया, अरेकिडोनिक एसिड जैसे ही बन जाता है तो अरेकिडोनिक एसिड रिलीज करता है ADP, ठीक है। और जैसे ही ADP रिलीज हो जाता है अरेकिडोनिक एसिड से, ये क्या करता है, ADP ये जितने भी प्लेटलेट है ना यहाँ पर, इन सारे के सारे प्लेटलेट को एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा कर देता है, ऐसे ऐसे, है ना। और जब ये एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे तो जो भी क्लॉट है वो ढक जाएगा, है ना, और वहीं पर ही प्लेटलेट और जाके वहां पर एग्रीगेट होते जाते हैं, फाइब्रिन के थ्रेड के अंदर वो होते जाते हैं, फंसते जाते हैं, जिससे कि जो क्लॉट है वो भर जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। अगर हमें इन प्लेटलेट का डिग्रेडेशन करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा क्या कर दो, ये जो ADP रिलीज हो रहा है ना, इस ADP को ही इनहिबिट करा दो। अगर ADP इनहिबिट हो गया तो प्लेटलेट जो है वो उनका एग्रीगेशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, और एग्रीगेशन नहीं हो पाएगा तो ये सारी की सारी प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो यही ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इसका क्लोपिडोग्रल का। जैसे आप इस यहाँ पे देखेंगे प्लेटलेट एडिशन हो जाती हैं, जहां पर भी ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट एक्टिवेशन हो जाता है, बाद में प्लेटलेट जैसे ही एक्टिवेट हो जाती है वो अरेकिडोनिक एसिड बना देती हैं, अरेकिडोनिक एसिड रिलीज कर देता है ADP, और ADP क्या कर देता है, प्लेटलेट जितनी भी इकट्ठा हुई है उनका एग्रीगेशन कर देता है। अगर हमें इसको बचाना है तो क्लोपिडोग्रल दे दो पेशेंट को, क्लोपिडोग्रल क्या करेगा, ADP जो है उसको इनहिबिट कर देगा, तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यूजेस की अगर बात करें तो एंटी प्लेटलेट एजेंट है ये, इसीलिए हम इसको ब्लड क्लॉट अगर हमें बनने से रोकने हैं वहां पर हम इनको यूज कर सकते हैं। और कौन कौन सी डिसीज के अंदर, जैसे पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज और सेरेब्रो वास्कुलर डिसीज, इन डिसीजेस के अंदर हमें क्योंकि क्लॉट को बनने से रोकना होता है तो वहां पर हम क्लोपिडोग्रल को दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस।
अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंथेसिस वारफरीन की। तो वारफरीन का जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ पहले याद कर लो इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले ये वाला स्ट्रक्चर याद कर लो, आपको ये बनाना है बेसिकली, है ना। अगर ये भी बनाना है तो आपको पहले कितना बनाना पड़ेगा, इतना बनाना पड़ेगा, ठीक है, इतना आपको बनाना है, इतना बनाना है। तो यही वाला ही स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। जैसे आप अगर इसको भी देखेंगे, है ना, तो यहाँ पर ये वाला बेंजीन रिंग, ये वाला बेंजीन रिंग है। इसके अलावा यहाँ पर ये सी ओ सी ओ, तो ओ सी और ओ, ये इतना यहाँ पे आके ऐड हो गया। ये वाला जो सी एच थ्री है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर सी एच टू बनने के लिए ये यूज हो जाएगा। अगर आप नीचे देखेंगे ये वाला सी आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से ये एक ओ आ जाएगा और एच आ जाएगा इधर, यहाँ पे ये सी एच थ्री ओ एच निकल जाएगा बाहर, ठीक है। इतना हो गया, ये वाला प्रोसेस हो गया, यहाँ तक अभी ये बन गया। अभी हमें यहाँ के बाद क्या करना है, तो यहाँ के बाद कुछ रह ही नहीं जाता है, हमें बस यहाँ पर क्या ऐड करना है, बेंजाइल एसीटोन ऐड करना है। देखो ये है बेंजाइल एसीटोन, ये वाला रिंग है बेंजाइल का और ये वाला है एसीटोन का, तो ये हो गया बेंजाइल एसीटोन। हमें बेंजाइल एसीटोन यहाँ पर ऐड करना है, तो बेंजाइल एसीटोन के सीधे सीधे रिएक्शन करवा दो और यहाँ पे बेंजाइल एसीटोन जो है उसको करवा दो ऐड, ठीक है। ये बन गया बेंजाइल एसीटोन, तो ये बन गया हमारा सीधा का सीधा वारफरीन, ठीक है, ऐसे बन जाता है वारफरीन। तो इसको देख लीजिएगा एक बार, इजी है वारफरीन और ये आता भी है वारफरीन। अभी मैंने पिछली बार ही जो 2019-20 में पेपर करवाया था उसमें भी आया था वारफरीन का सिंथेसिस, तो वारफरीन जो है वो इंपॉर्टेंट ड्रग होता है। चलिए ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है लाइक के बिना बिल्कुल मत जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है उनको भी इसकी ज़रूरत हो। और लास्टली थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल, तो सब्सक्राइब भी